खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है मायोनीज़। इजीली हम घर में मायोनीज़ कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो हमेशा ही हमारे किचनों में अवेलेबल होते हैं। मायोनीज़ बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, हमने यहाँ पर एक कप ले लेना है तेल। आप कोई भी ऑयल इसमें शामिल कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें लेंगे एक अदद हम लेंगे अंडा और 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे सिरका और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, चाहे तो आप शुगर पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। बस ये चंद इंग्रेडिएंट्स हैं और हमने इससे बनानी है मायोनीज़, जो कि हम बहुत ज़्यादा रिच प्राइसेस में हम लेते हैं, मार्ट्स वगैरह से ले लेते हैं, सुपर मार्ट से ले लेते हैं, जहाँ से भी हम लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगी हमें मिलती है। लेकिन हम इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ज़ीरो बजट में हम इसको बना सकते हैं घर में बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। ये मैं आपको बताऊंगी कि हम मायोनीज़ घर में किस तरह बना रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ। पहले हमने यहाँ पर एक बॉल ले लेना है और बॉल में हम शामिल करेंगे एग। हमने इसमें एग डाल दिया है, अच्छे से ना बीट करना है और साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून सिरका और इसको मज़ीद बीट करेंगे से। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही मज़ेदार सा आया है और अब ये जो बिल्कुल लास्ट में जो बच गया है ऑयल, वो मैं इसमें कर दूंगी शामिल। अच्छा, कम्प्लीटली सारा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको मज़ीद करूंगी 5 मिनट तक बीट। देखिए माशाल्लाह हमारी जो मायोनीज़ है वो कम्प्लीटली परफेक्टली हो रही है रेडी और मैं जस्ट और इसकी थिकनेस देखें, हम इसकी थिकनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त है और सेम एज इट इज़ ऐसी जैसे हम मार्केट से अवेल करते हैं। और बस मैं इसको जस्ट 2 मिनट और बीट करूंगी, फिर देन मैं इसको डिश आउट कर दूँ। मायोनीज़ हो गई है कम्प्लीटली रेडी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आया है और इसका टेस्ट भी सेम एज इट इज़ वैसी है जैसे हम बाहर से बाई करते हैं। और मैं नॉर्मली इसको चॉपर में बनाती हूँ, अगर आप चाहें, अगर आपके पास बिचर ना हो तो आप इसको ब्लेंडर में बना सकते हैं, आप इसको चॉपर में बना सकते हैं। सेम एज इट इज़ ये ऐसी ही बनेगी जैसे ये अभी बनी है और आज मैंने इसको इलेक्ट्रिक बिटर में बनाया है और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनी है। मैं आपको लगा के दिखाऊंगी एक स्लाइस के ऊपर, क्योंकि हम नॉर्मली बन वगैरह पे रखते हैं या बर्गर्स वगैरह पे लगा दें, तो मैं इसको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी इसकी मज़ेदार से इसकी थिकनेस देखें, मैंने इस पर लगाना है इसको और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी है और ये बहुत ही यमी है। और सेम एज इट इज़ ये देखें, सेम एज इट इज़ ये वैसे ही जैसे हम बाहर से अवेल करते हैं। यकीनन आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।